जी भैया, ओके, थैंक यू। सो वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीताविता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीता अमृत सत्र के लिए। सो कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के प्रणाम मंत्रों के द्वारा साथ में दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वंस अगेन सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। ऐसा करते हैं कि आज से अटेंडेंस शुरू हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो है सो मोस्टली एब्सेंट रहते हैं। तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा कि अटेंडेंस लेना शुरू करना पड़ेगा। सो वो डिवोटी जो मोस्ट रेगुलर है वो अटेंडेंस लेंगे। तो अटेंडेंस लेंगे सुषमा कौल माता जी फ्रॉम एवरी डे, मतलब कैसे हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता चले कि ये कल आए थे नहीं आए थे, ऐसी बातें रहेंगी। सो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अटेंडेंस अगर लिया जाए तो रेगुलरिटी का पता चलेगा। जैसे रेवा गुप्ता माता जी कभी कभी आती हैं आजकल, पहले रेगुलर आती थी। अनुगुप्ता माता जी का अभी भी पता नहीं है। अभी मैंने फिर से मैसेज डाला, प्लीज ज्वाइन नाउ, वही मैं कर रहा था अभी, ठीक है। सो बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं। मैं हर्षिता माता जी, आप देख लीजिए जब काउंटिंग मैक्सिमम होता है उस समय का, आप या तो स्क्रीनशॉट या कुछ ले लें, पता चल जाएगा कौन आए थे, और नेक्स्ट डे आप बतलाएंगे ये नहीं आए थे। वैसे मुझे रिमेम्बर मैं करता हूँ, मुझे पता रहता है कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे। सो अभी भी हमारे डिवोटीज बिजी हैं, संडे है तो बिजी हैं, मंडे है तो बिजी हैं, और सैटरडे है फिर भी बिजी है ना। तो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ भी आदमी बिजी ही रहता है उस समय भी बहुत सारे काम पड़े रहते हैं, अधूरे काम, और फिर वो दूसरा जन्म लेके आता है उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो काम कभी समाप्त नहीं होगा, अभी से तत्परता दिखाइए जो इम्पोर्टेंट काम है। ओके, सो विल स्टार्ट, विल स्टार्ट वेरी गुड। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 28। अब मैं फिर से कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवत गीता 7 चैप्टर। भगवत गीता के 7वें अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरे भागवतम का, पूरे भगवत गीता का या पूरे वैदिक लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का, और वो इस प्रकार है, श्लोक संख्या 28। येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। ओके, सो इस श्लोक में हमने किया, येषां त्वंतगतं पापं, अंतगतं, भगवान क्या बोल रहे हैं,
जो मीन्स जो तो अंतगतम पाप, जिसने अपने पाप के पिटारे को, पाप के खजाने को पूरा लुटाया नहीं है, अब तक उसको बचा करके रखा है, अभी उसको बढ़ा रहा है, जिसने अपने उस पाप के घड़े को पूरे तरीके से खाली नहीं कर लिया है। अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। जब तक कि पाप के घड़े में एक ड्रॉप भी रह जाएगा, येषां तु अंतगतं पापं, तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा? पिछले श्लोक में बतलाया गया था, पिछले श्लोक में बतलाया गया था तब तक क्या होगा, और वहां बतलाए थे कि पिछले श्लोक में आप लोग को याद होगा, वहां भगवान ने बतलाया था द्वंद्व मोह, हम सारे लोग क्या होंगे? सम्मोह में जन्म लेंगे। सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः, इच्छा द्वेष समुत्थेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक हमारे पाप का खजाना पूरे तरीके से चोरी नहीं होगा, जब तक हमारे पाप के घड़े में एक ड्रॉप भी पाप का रह जाएगा, तब तक क्या होगा? तब तक इच्छा और द्वेष समाप्त नहीं होगा। तो पिछले श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण हम यहाँ पर सम्मोह में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं। और माया, ये शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द है। माया शब्द का अर्थ वैसी कोई भी वस्तु, वैसा कोई सिचुएशन, वैसे कोई भी हमारे रिलेटिव परिजन जो हमको कृष्ण की तरफ जाने से रोकते हैं, वो माया है। वैसा सिचुएशन जो हमको भगवान कृष्ण के ध्यान से विमुख करता है और दूसरे इन्वायरमेंट में लेके जाता है जहां से भगवान को ध्यान नहीं किया जा सकता है, तो वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन माया का सिचुएशन है। और ये सारी चीजें इच्छा और द्वेष के कारण होता है, और इच्छा और द्वेष किसके कारण होता है? पाप कर्म के कारण होता है। और पाप कर्म कैसे होता है? इच्छा और द्वेष जब आता है तो हम पाप कर्म करते हैं। तो ये साइकिल है, इसको साइकिल बोलते हैं। स्टार्टिंग बिगिनिंग कहां से होता है? इच्छा और द्वेष से, और फिर वो पूरा का पूरा रोटेट होता रहता है जन्म जन्मांतर से। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं ये शाम तो अंत गतम पापम। अब हमने पाप को इसको एंड किया, और क्या? ये शाम तो अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम। और जो जन जन मीन्स जनरल पीपल, जन मीन्स लोग, पीपल पीपल इन जनरल, जना नाम, जना नाम मतलब बहुवचन है, प्लूरल नंबर, बहुत सारे लोग, जना नाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्मणाम मतलब जो व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में या इस जीवन में भक्ति उन्मुखी पुण्य कार्य कर रहा है, भक्ति उन्मुखी पुण्य कार्य का अर्थ होता है, भक्ति उन्मुखी पुण्य कार्य का अर्थ होता है वैसा कार्य जो कृष्णा से संबंधित है, भले ही आपको पता नहीं है कि वो कृष्णा से रिलेटेड है, लेकिन आप कर रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे टेम्पल में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे टेम्पल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और एक एक डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ले लें, अराउंड 40 एम्प्लॉयज हैं उसमें। जैसे कारपेंटर, तीन तीन कारपेंटर, दो दो वेल्डर, और इस तरीके से अलग अलग प्लम्बर, और बहुत सारे लोग हैं। इलेक्ट्रिशियंस की नंबर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिशियंस की संख्या। कहने का अर्थ है, हम चर्चा कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और नंबर ऑफ लोग हैं, ये मैं मिस कर गया, मैं क्या बोल रहा था, क्या पॉइंट कौन मुझे बतलाएगा? मैंने किस लिए डिपार्टमेंट बतलाया था? यस एनीबॉडी हेल्प मी। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, आप ये समझाना चाह रहे थे कि जो काम हम कृष्ण से संबंधित नहीं करते। कोई कोई और? यस विश्वास जी, भक्ति उन्मुख, यस
भक्ति उन्मुख पुण्य, यस भक्ति उन्मुखी पुण्य कार्य। सो यहाँ पर जैसे हमने टेम्पल का एग्जाम्पल दिया, टेम्पल में जितने इंप्लॉयज हैं ये सारे लोग फुल्ली डेडिकेटेड नहीं है। फुल्ली मीन्स सैलरी पेड है, जैसे हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलता है, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हमारे पास कोई बैंक डिटेल अकाउंट नहीं होता है, हम लोग सारे बैंक का जो पैसा है ना वो अपना ही है अपना, हम लोग को आवश्यकता जितनी आवश्यकता पड़ती है कृष्णा भेज देते हैं। ओके सो वो सारे लोग, उनको पता नहीं कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एंडेवर है इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। उनको नहीं पता है, वो और कहीं भी कार्य कर सकते थे, वो टेम्पल में काम करें, जैसे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है हमारे पास, हाउसकीपिंग फैसिलिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है वो, क्लीनिंग करना, बहुत सारे वर्क है उसके। सो वो लोग टेम्पल में मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो वो लोग भले ही सैलरी ले रहे हैं लेकिन उनका जो कार्य हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है। तो ऐसे कार्यों को बोलते हैं अज्ञात सुकृति और भक्ति उन्मुखी पुण्य कार्य। हम केवल पुण्य नहीं बोल रहे हैं, पुण्य कार्य नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज लाया बीच में, ध्यान दीजिएगा। पुण्य काम का अर्थ आप लोग को पता है, गरीबों को भोजन करवाना, पानी पिलाना, स्कूल खोलना, कुआं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इसको पुण्य बोलते हैं, करेक्ट, दूसरे की मदद करना। लेकिन यहाँ पर जो भगवान चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग पूर्व कर्म में, पूर्व जीवन में या वर्तमान में और वर्तमान में दोनों में पुण्य कार्य करते हैं, कौन से पुण्य कार्य, वो पुण्य कार्य भक्ति उन्मुखी पुण्य कार्य, मतलब somehow or rather it should be connected with Krishna somehow। So भक्ति उन्मुखी पुण्य यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते मीन्स वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और वैसे ही लोग द्वंद्व से मुक्त होंगे, duality से मुक्त होंगे, इच्छा और द्वेष से मुक्त होंगे। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, और फिर क्या करेंगे वो, भजते माम दृढ़व्रता। भगवान बोलते हैं फिर वो मेरा, तभी वो मेरा दृढ़ता पूर्वक निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ वो मेरी भक्ति कर सकते हैं, मेरा भजन कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान हमें ये बतला रहे हैं कि अगर भगवान कि भक्ति, भगवान का भजन हमें दृढ़ता पूर्वक करना है। दृढ़ता पूर्वक मीन्स जैसे आपने सुना होगा हिमालय की तरह अचल होना चाहिए, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान तुलना करते हैं इमूवेबल, जो मूव नहीं करता है उसमें मैं हिमालय हूं। तो अगर हमारी भक्ति हिमालय की तरह अड़ी है, मतलब अगर कोई, जनरली आपको एक दृष्टांत बतलाता हूं, एक हिस्ट्री में हुआ है, जब वर्ल्ड वार हो रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड, और बहुत सारे रशियन सोल्जर्स और सिविलियंस, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी यूक्रेन में, यूक्रेन की सेना तो बहुत छोटी सी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने नागरिकों को हथियार दे दिया कि अब आप लोग फाइट करिए। अब नागरिक चले गए, उनके हस्बैंड, मतलब जो लेडीज हैं उनके बच्चे गए, उनके हस्बैंड गए, सब गए, और तब उन सब ने भगवान से प्रार्थना किया, अब जिस तरह प्रकार उनकी पूजा होती है, और बोला कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को सही सलामत भेज दीजिए, मैं आपकी पूजा करूंगी। तो बहुतों के लोग नहीं डॉट रिटर्न होके आए, वार में का एंड हो गया, द एंड, उनका मर गए वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, बोला भगवान नहीं होते हैं, भगवान अगर होते तो हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो हस्बैंड थे, पति थे, सब लौट करके आते। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को प्रार्थना किया था, और हमने भगवान को प्रार्थना किया और भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है, भगवान नहीं होते हैं। तो सारे लोग एथिस्ट हो गए, नास्तिक हो गए। तो इससे क्या पता चल सकता है, पता चलता है कि उनकी भक्ति जो है वो अचल नहीं है, उनकी भक्ति निष्ठा नहीं है, उनकी भक्ति में भजते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता नहीं है उनकी भक्ति, करेक्ट। तो क्यों नहीं है दृढ़ता, क्योंकि वो लोग द्वंद से बाहर नहीं, ठीक है। तो हमने काफी कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, अब इसका रीडिंग जो है हमारी जो सबसे अच्छे
स्पीकर हैं, मिथिलेश माता जी रीडिंग करेंगी, ट्रांसलेशन अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस मिथिलेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते होते हैं। गुड, तो ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। हरे कृष्णा। मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेशन में जो कुछ है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो नाउ विल गो टुवर्ड्स तात्पर्य, हम लोग पर्पट की तरफ जाएंगे। सो पर्पट का रीडिंग जो है विश्वास जी करेंगे। यस विश्वास जी नहीं है, हाँ है, यस विश्वास जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद को पार करना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने पूर्ण कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं, आध्यात्मिक पद पर आसीन होने एक मिनट इतना ही एक मिनट विश्वास जी वेट करिए एक मिनट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट्स जितना पढ़ा उसमें जो, क्योंकि क्या होता है प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं हमसे, प्रभुपाद जी पुस्तक में एक पॉइंट होता है कि एक कंसेप्ट वहां पे डाल रहे हैं, तो अभी इतने लाइन में कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो एथिस्ट होगा नास्तिक नहीं करेगा, दूसरा बोल रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी नहीं करेगा, फिर बोल रहे हैं जो फुलिश होगा मूर्ख होगा वो भी नहीं कर सकता है, दूसरा और जो और जो आई थिंक और बोल रहे हैं, हाँ कपटी धूर्त धूर्त जो चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको जिसको चीटिंग करने का वो होता है, हाँ कपटी, तो वैसे व्यक्ति धूर्त व्यक्ति जो है वो नहीं थे। ये सारे लोग एलिजिबल नहीं है, ये सारे लोग भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब इन जितने कैटेगरी को यहाँ पर बतलाया गया इन सबको आप एक नाम दे सकते हैं कि ये सारे लोग ड्युअलिटीज में है, या ये ड्युअलिटी में क्यों है, क्योंकि ये सारे लोग इच्छा और द्वेष के इच्छा और द्वेष इनमें भरा हुआ है। तो जिस व्यक्ति में इच्छा और द्वेष भरा होता है वो व्यक्ति द्वंद में फंस जाता है, वो व्यक्ति ड्युअलिटी में फंस जाता है। द्वंद का अर्थ ड्युअलिटी, ये सही है ये गलत है, कंफ्यूजन। और कौन ज्यादा कंफ्यूज होता है, जो भगवान का भक्त नहीं होता है, उसके पास तो सैकड़ों रास्ते होते हैं। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है, क्यों डिवोटीज के पास भी ऑप्शंस है और जो लोग भक्त नहीं है उनके पास भी ऑप्शंस है। तो आपको बताना चाहूंगा जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं होता है, भक्ति के कारण क्या होता है एक अच्छा रास्ता और दूसरा रास्ता, बस दो ही रास्ता भक्त के सामने होता है। और जो लोग भक्त नहीं है उनके पास उनके सामने सैकड़ों रास्ते होते हैं, इसीलिए वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन कब आएगा, जब आपके पास दो ऑप्शन रहेगा तो या तो सही है नहीं तो गलत, दोनों में से कोई एक अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि सही कौन सा गलत कौन सा, और वो भी दो ऑप्शन नहीं। मैं ये भगवत गीता से ही बोल रहा हूँ, भगवान बोल चुके हैं पहले बिगिनिंग में, जो लोग व्यवसायी नाम नहीं होते हैं और व्यवसाय जिनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं है, वन पॉइंटेड नहीं है, ठीक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हकुर नंदना,
जो भगवान की भक्ति वन पॉइंटेड अटेंशन से करते हैं, मतलब जो भगवान की प्रोफेशनल तरीके से मतलब कई प्रकार से उनके पास बहुशाखा ही अनंताश्च, उनका जो ध्यान है ना वो बहुत सारी शाखाओं में बट जाता है। ये बहुत शाखाओं में ध्यान जाता है, विचार जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उनकी इच्छा और द्वेष जो है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस पैदा कर देते हैं। ये करना है, ये करना है, ओ नहीं नहीं ये ठीक नहीं, दूसरा कर लेते हैं, दूसरा करना शुरू किया, नहीं नहीं ये भी फेल लग रहा है, तीसरा कर लो, चौथा आदमी मिल गया, नहीं नहीं ये नहीं, एक नया तरीका ये आया है, देखते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ नया तरीका है ही नहीं। जो आचार्यों ने किया है हजारों करोड़ हजारों साल पहले, और कृष्णा ने जो करोड़ों वर्ष पहले विवस्वान को बोला था, वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। अब देख रहे हैं पॉइंट को, अभी जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से इसको याद करके मैं आया हूं, हाँ, या मैंने सोचा अभी मुझे ये बोलना है, नहीं बोला मैंने ऐसा। ये मेरे पॉइंट, ये सारे कंसेप्ट एट दिस मोमेंट मेरे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आप चीजों को समझ करके अपने अनुसार डाल सकते हैं वहां पे। तो अचानक से ये पॉइंट आया मेरे पास, हम डिवोटीज के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड नहीं रहता है, और जितने ऑप्शंस होंगे हम उतने कंफ्यूज होंगे। तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान कुछ भी नया नहीं दिया, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिया, वो दिया जो करोड़ों वर्ष पहले विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को वही दे रहे हैं। आचार्यों ने उसका पालन किया, ब्रह्मर्षियों ने उसका पालन किया, राज ऋषियों ने उसका पालन किया, और फिर जो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है हमको भी उसी को पालन करना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार कैटेगरी, कई सारे कैटेगरी बतलाए गए हैं, चार कैटेगरी तो आपने इसके पिछले श्लोक में देखा था, जो आसुरिम भावमाश्रित मूढ़ा माया अपहृत ज्ञान, और एक और कौन सा है, नराधम, ये चार प्रकार के लोग, उसी की कैटेगरी है ये जो यहाँ पर बतला रहे हैं, धूर्त है, मूर्ख है, और नास्तिक है, और आसुरी प्रवृत्ति का है। ये भगवान को सरेंडर या भगवान की कुछ समझ नहीं सकते। ओके, सो यस, आगे पढ़िए। केवल मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा ओके नो प्रॉब्लम, अर्थ के बाद, केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। करेक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया कि एक तो वो लोग जो गलत काम करते हैं, ऊपर देखा हमने, वो समझ नहीं सकते हैं, तो फिर कौन लोग आ सकते हैं, जिन्होंने जो जो साहित्यों में, वैदिक साहित्यों में या आचार्यों के द्वारा जो विधि विधान बतलाया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस प्रिंसिपल सेट किया गया है, क्या हमको 16 राउंड चैंटिंग करना है और हमको चार प्रकार की जो निषेधात्मक चीजें हैं उसको नहीं करना है, ये हमारे लिए प्रिंसिपल्स हैं और यही धर्म है हमारे लिए। तो जो धर्मों का पालन करता है विधि विधान के द्वारा, आचार्यों के बतलाए द्वारा, वही व्यक्ति एलिजिबल है, उसी को भक्ति मिल सकता है। यस, गो अहेड। आगे, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। बस रुक जाइए, और तब जाकर के वो व्यक्ति जो है समाधिस्थ हो सकता है। अब आगे जो है, आगे रीडिंग करेंगी रेवा गुप्ता माता जी, फर्दर। यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा करने वाला व्यक्ति समाधि में जा सकता है, तो प्रश्न उठता है कि क्या कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति समाधि में रहता है? प्रभुपाद जी समाधि का अर्थ बतलाते हैं। जनरली हम लोग समाधि का अर्थ क्या सोचते हैं, समाधि मतलब एक जगह टिक जाना, एक जगह बैठ जाना, और
घंटों महीने हजारों साल एक जगह बैठ करके समाधिस्थ करके ध्यान करना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समाधि नॉर्मल लैंग्वेज में। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं पतला है, प्रभुपाद जी बोलते हैं समाधि का अर्थ होता है जिसके दिमाग में हर समय भगवान की सेवा की बात चलती रहती है, उसको बोलते हैं समाधि। जो व्यक्ति हर समय कैसे कौन सा काम करे जिसे भगवान को आनंद मिलेगा, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को कैसे हम तृप्त कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे जो हम कल एकादशी है और कल हम लोग होल डे चैंटिंग करेंगे, क्यों, क्या पर्पस है जप करने का, एकमात्र पर्पस है जप करने का, और वो क्या है, टू प्लीज द लॉर्ड। भगवान को प्रसन्न करते हैं हम जप के माध्यम से, क्यों, कैसे पता चला, आपको अगर कोई व्यक्ति आपका नाम लेता है बार बार, कितना आनंद का अनुभव करते हैं, ये व्यक्ति कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं, कोई आपका गुणगान करेगा तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। तो ये फीलिंग जो हमारे अंदर आई है, कहीं ऐसा नहीं आकाश से ऐसे अचानक आ गया कहीं से, ये सेम फीलिंग कृष्णा में है और कृष्णा से हमें आई है, ठीक है। तो भगवान को प्रसन्न करना हमारा गोल है, तो समाधि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, ये जो शब्द है ना कृष्णा कॉन्शियस, हिंदी में बोलते हैं कृष्ण भावना भावित, मतलब जिसकी भावना में, जिसके विचार में भगवान हर समय होते हैं, वो व्यक्ति 100% समाधिस्थ होता है। मतलब आप अगर कृष्णा के लिए कोई काम कर रहे हैं और उस बारे में विचार कर रहे हैं तो आप समाधि में, इसी को बोलते हैं समाधि। समाधि करते हैं नहीं आंख बंद करके सो जाना, हाँ इसमें मत जाइएगा। समाधि मतलब कितने मन से आप भगवान के नाम का जप उच्चारण कर रहे हैं, कितने भक्ति से आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, कितने भक्ति से आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, कितनी श्रद्धा के साथ, कितने अटेंशन के साथ आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, कितने मेहनत के साथ आप वर्क कर रहे हैं ऑफिस में। जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो अलग अलग जगहों पे कार्य करते हैं, मेहनत से काम करिए, क्यों, पैसा जो आएगा उससे हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न तभी हो सकते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत जगत तुष्टे, अगर भगवान कृष्ण को हमने प्रसन्न कर लिया ना तो जगत को संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपने देखा था जब पांडव वनवास में थे और दुर्योधन हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि अपने लाखों शिष्यों के साथ पधारे थे, तो उसने क्या बोला, दुर्योधन ने बोला कि पास में ही मेरे भाई लोग रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उनका भी आतिथ्य स्वीकार करिए, आप उनको भी आशीर्वाद दीजिए। और उनको, दुर्योधन को पता था, ये जग जाहिर बात है, सबको पता है कि दुर्वासा ऋषि जब प्रसन्न होते हैं तुरंत आपको आशीर्वाद दे देंगे, क्यों, क्योंकि वो शिव जी के अंश हैं, तो शिव जी भी कौन है, आशुतोष, तुरंत खुश हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत गुस्से में भी आ जाते हैं। तो सेम फीचर दुर्वासा ऋषि में है, अगर गुस्सा हो गया तुरंत सोचेंगे नहीं श्राप देने से पहले, तुरंत उस समय पे। तो दुर्योधन को पता था कि ये सारे अपने लाव लश्कर के साथ, अपने इतने सारे शिष्यों के साथ जाएंगे और बोलेंगे उनके पास तो कुछ है नहीं, वो लोग जंगल में रहते हैं, तो ये इनकी पूजा अर्चना या इनका सत्कार नहीं कर पाएंगे तो श्राप मिल जाएगा, इसलिए उनको भेज दिया वहां। अब उनके पास पहुंचते हैं और वो दोपहर का समय था और द्रौपदी के पास ये जो हम लोग रखे हुए ना अक्षय पात्र, जिसे हम लोग 20 लाख बच्चे को फीड करते हैं, ऐसा ही अक्षय पात्र द्रौपदी के पास था, ठीक है, छोटा सा बॉल। सो उस अक्षय पात्र से जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है तब तक अनलिमिटेड फूड निकल सकता है। अक्षय, जिसका अक्षय नहीं होता है, जिसमें कोई कमी नहीं आती है, जिसमें निरंतर भोजन निकल सकता है, लेकिन द्रौपदी के नहीं खाने तक। तब वो आप देखते हैं वो दृष्टांत आपको पता है कैसे भगवान कृष्ण, तब वो सारे ऋषि आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं लंच लूंगा, मैं आपके घर में दोपहर का भोजन लूंगा, प्रसाद लूंगा, अभी हम लोग आफ्टरनून बाथ के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण जो होते हैं 3 टाइम्स स्नान करते हैं, 3 टाइम्स टेकिंग बाथ। वैष्णव ब्रह्मचारी सन्यासी भी 3 टाइम बाथ लेते हैं,
और जो ब्रह्मचारी है उनको दो समय बाथ लेना जरूरी जरूरी है। नॉर्मल सा वैष्णव को भी दो समय बाथ लेना चाहिए। वैष्णव मतलब तो ये गए अपने त्रिसंध्या अपने वो आफ्टरनून में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, वहीं पास में गंगा में स्नान के लिए गए और उसी समय ये लोग सारे लोग परेशान हो गए। पता है मैं शॉर्ट करता हूँ इस स्टोरी को क्योंकि अभी बहुत सारे परेशान, क्या करें अब क्या होगा कि अब पता है कि गुस्सा होगा तो श्राप मिलने वाले को। कृष्ण आते हैं और बोलते हैं मुझे भी भूख लगा है, तो बोले इतनी बड़ी समस्या चल रही है और इसमें एक भगवान भी आ गए, इनको भी भूख लगा है, अब क्या करें। तो फिर क्या होता है कि भगवान बोलते कुछ तो देखो, कुछ तो होगा पड़ा होगा। तब वो जो पात्र था अक्षय पात्र, उसमें सब्जी या चावल व्हाटएवर एक दाना चिपका हुआ था, एक दाना कुछ नहीं। एक्चुअली वो बोलते है कुछ नहीं है, एक दाना कौन चुनता है। तो भगवान बोलते है देखो खुश होगा, एक दो दाना भी तो होगा। तो ढूंढती है तो एक दाना चिपका हुआ था। ऑब्वियसली जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो बर्तन में चिपक जाता है ना, स्टिक हो जाता है। तो वो एक दाना भगवान को देख, बहुत यही दे दो मुझे, काफी है मेरे लिए। तो भगवान उसको खाते हैं और बोलते हैं वाह क्या स्वादिष्ट है और मेरा पेट पूरा भर गया। वो सारे लोग जो गंगा में स्नान कर रहे होते हैं, सारे ऋषि दुर्वासा और उनके सारे शिष्य, जैसे ही भगवान ने खाया इधर, वो सारे लोग बोल रहे हैं ये क्या हो गया, हम सबका भोजन, हम सबका पेट ऐसे भर कैसे गया। और क्या बोलते हैं देखो भागते यहां से, क्यों भीम आने वाला होगा बुलाने के लिए, जल्दी जल्दी करके हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो पेट तो भरा हुआ है कुछ भी नहीं खा सकते हैं वहां। तो वो लोग इस प्रकार से भाग जाते हैं वहां से। तो क्या पता चला, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। सो अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, अगर हमारा दिमाग भगवान कृष्ण की सोच में लगा हुआ है, कैसा सोच, भगवान की सेवा वाली सोच, कंस वाली सोच नहीं। कंस क्या सोच रहा था कि कैसे भगवान को मारा जाए, है भगवान अभी नहीं। और तो इसको बोलते हैं ये जो भक्ति है इसको बोलते हैं प्रतिकूलेन प्रतिकूल। हमको कैसी भक्ति करनी है, अनुकूलेन भक्ति, अनुकूल परिस्थिति में पॉजिटिवली करना है, निगेटिव तरीके से नहीं करना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम हर समय समाधिष्ट होते हैं। श्रीवा गुप्ता मंदिर कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसा ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवां द्वार माहु विमर मुक्ते, किंतु जो भौतिकवादी विमुक्ते, महत सेवां, महत मतलब महत शब्द का अर्थ होता है भारी, महत शब्द का अर्थ होता है बड़ा। हाँ तो महत कौन है, महान, महाजन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वही महान होते हैं। महत सेवां, जब हम महत भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, तो क्या होता है, तो द्वारम विमुक्ते, मुक्ति का द्वार खुल जाता है, वही बोला जा रहा है। यस गो अहेड। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, भगवान संगम, भगवान के साथ। रुक जाइए यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, वेट करिए, यस एक मिनट, यस। यहाँ पर इस दो चार लाइन में क्या बतलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमको अगर हमको हमारे अंदर अच्छे डिजायर पैदा करने हैं, ये द्वंद की इच्छा और द्वेष को समाप्त करना है, तो कैसे होगा, बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। हमारे अच्छे विचार बतलाया है, अच्छे विचार शब्द का अर्थ होता है कि हमारे अंदर से ये जो ईर्ष्या और द्वेष है ये समाप्त होता है, उनके साथ संग
करने से। और ये संघ कैसे मिलेगा हमसे? ऐसा नहीं कि हम जब बात करेंगे तभी एसोसिएशन मिलेगा, देखेंगे तभी एसोसिएशन हो। तो प्रभुपाद जी को तो हम बात नहीं कर सकते नॉर्मली सामने बैठ करके। प्रभुपाद जी से बात करना है तो प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़िए, प्रभुपाद जी को देखना है तो प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़िए। तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद जी से एसोसिएट करते हैं, तब हम प्रभुपाद जी का संग हमको मिलता है। तो यहाँ पर वही बतलाया जा रहा है कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कर हरे कृष्ण यस, तो यहाँ पर लाया जा रहा है भगवान का के भक्त संग करते हैं तो हम में वो सारी सद्भावनाएं आ जाती हैं जो हमको भक्ति की तरफ उन्मुख करती हैं और हम डिल्यूजन से, हम मोह से, सम्मोह से बाहर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साधु संग, साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे फोकस किया जा रहा है। यस माता जी आगे बढ़िए। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन। एक मिनट माता जी, जस्ट अ मिनट। अब आप प्रभुपाद जी को देखते होंगे, प्रभुपाद जी हर समय मूवमेंट में रहते थे। एक वीडियो आप लोगों को नहीं भेजा मैंने, प्रभुपाद का शेड्यूल था, प्रभुपाद जी 3 महीने रहेंगे इंडिया में मायापुर, 2 महीने मुंबई वृंदावन, फिर चले जाएंगे वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, फिर लंदन ऑस्ट्रेलिया। तो प्रभुपाद जी सन्यासी थे, परिव्राज का चारे, ये सब जो आते ना परिव्राज का चारे, ये सन्यासी की कैटेगरी है। और एक होता है परमहंस, तो प्रभुपाद जी परिव्राजकाचार्य और परमहंस सबसे टॉप लेवल के सन्यासी होते हैं। और उसके पहले भी दो तरह के और सन्यासी होते हैं, कुटीचिका और एक और होता है, वो इनिशियल स्टेज के सन्यासी। तो प्रभुपाद जी परिव्राजकाचार्य और परमहंस है। प्रभुपाद जी नारद मुनि की तरह, नारद मुनि कहीं पर टिकते नहीं है एक जगह, हर जगह काम किया चल देते थे एक जगह। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी भी पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए जाते थे। इसलिए जाते थे, आम लोग जो फंसे हुए हैं, किसमें फंसे हुए हैं? योषिताम संगी संगम, जो ऊपर पड़ा हमने, अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो विमुक्ति का रास्ता, मुक्ति का रास्ता द्वार खुल जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम मेटलिस्ट पर्सन का, मेटलिस्ट मीन्स कर्मी, कर्मी मतलब जो व्यक्ति केवल खाने पीने सोने रहने, घर को सजाने में, फैमिली को सजाने में, अपने आप को डेकोरेट करने में लगा रहता है, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा? ऐसे लोग का जो संग करते हैं योषिताम संगी, वो नरक के द्वार की तरफ, उसके लिए नरक के रास्ते खुल जाते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग ज्यादा समय इस तरीके के लोगों के साथ बिताते हैं, जो लोग आपको भगवान के विषय में, तो इतना सवाल, कोई सवाल ही नहीं होता है भगवान के विषय का कोई टॉक, वो आपको केवल यहां वहां की बातें करते रहेंगे। तो इस बातों से बचिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना किधर लगाइए? नाम के जप में, भगवत गीता के अध्ययन में, और अपना जो ड्यूटी है करिए, बस ओवर, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा था, इसलिए मैंने इस यस नेक्स्ट रीडिंग जो है, नेक्स्ट रीडिंग करेंगी रानी जायसवाल माता जी। यस नेक्स्ट रीडिंग जहां तक इन्होंने पढ़ा उसके, हाँ वहां से पढ़ी। मायावादी यह नहीं जान पाते, आवाज अच्छी से आनी चाहिए, जस क्या नहीं जान पाते, आवाज नहीं है। मायावादी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मायावादी यह नहीं जान पाते बोली कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी
दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हरे कृष्ण। थोड़ा सा आप एक मिनट ये क्या सो हम चाहेंगे वन मोर पर्सन कैन रिपीट दिस, क्योंकि आपके समझ में नहीं आया होगा। सो हर्षिता माता जी रीडिंग करी, रिपीट इट, इन्होंने जो पढ़ा उसको। हरे कृष्ण। मायावादी यह नहीं चाहते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। एक मिनट, हरे माता जी, हरे कृष्ण, मेरी आवाज नहीं आ रही। कैन यू रिपीट इट अगेन? यस प्रभु जी, अगेन। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हरे कृष्ण। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आवाज कट जा रही थी। मायावादी क्या सोचते हैं? ये पैराग्राफ समाप्त हो गया क्या? ये पूरा एंड हो गया? हाँ, ये एंड पूरा खत्म हो गया ना? ओके, मिथिलेश माता जी, कैन यू रिपीट इट? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए तो। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपने स्वाभाविक स्थिति को भूलना। समझ में नहीं आ रही प्रभु जी? अब आ रही, आ रही। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया कठिन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं आया समझ? आपने तो काफी अच्छा नहीं, आपने पढ़ा काफी अच्छा, लेकिन इंटरनेट इश्यू के कारण वो हो गया। कोई बात नहीं है, मैं खुद एक मिनट में खुद ही देख रहा हूँ। प्रभु जी, आपको व्हाट्सएप करते हैं टेक्स्ट दोबारा पढ़ सकते हैं? नहीं, मैं आप दोबारा पढ़िए और मैं यस एक्चुअली ओके मिल गया मुझे, छोड़ दीजिए आप। मैं क्या दूसरा पैराग्राफ खुला होता? द इम्पर्सनलिस्ट डू नॉट व्हाट इज दिस, द इम्पर्सनलिस्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में मिस्टेक है, आप पढ़िए तो थोड़ा। मायावादी इसमें ये बताया है, मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। ठीक है, ओके, अब मिल गया मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या। यस, यू कैन द इम्पर्सनलिस्ट डू नॉट नो दैट फॉरगेटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज सबॉर्डिनेट्स टू द सुप्रीम लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट वायलेशन ऑफ गॉड्स लॉ अनलेस वन इज फॉरगेटिंग द सबॉर्डिनेट। ओके, चलिए अब मैं बतला that I am the servitor of the Lord, I cannot forget that. I should always remember this. I am His servant. Okay. So, यहाँ पर actually internet issue आ रहा है, फिर भी मैं इसको expect करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मायावादी क्या करते हैं, मायावादी लोग, ये are you getting, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes. Okay. मायावादी लोग जो होते हैं, पहली बात आपको पता है कि वो तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान का आकार होता है, उसको बोलते हैं मायावादी।
और भगवान का आकार होता है, और जब आकार भी बद्ध जीवों की तरह ही वो आकार भी होता है, तो ये होते हैं मायावादी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मायावादी इस बात को नहीं जानते हैं कि भगवान को भगवान होते ही नहीं है। ऐसा अगर हम सोच लें कि हम ये सोचें कि भगवान नहीं है या हम भगवान के सबॉर्डिनेट नहीं है, तो ये भगवान जो होंगे तो वो लोग तो पहली बात ये करते हैं कि भगवान जब रूप लेते हैं, जब इधर होते हैं तभी रूप होता है और वो रूप माया का होता है, इसका मतलब भगवान पर्सन तो है नहीं। तो हमको उनके सबॉर्डिनेट उनके अंदर की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इस बात को भूल जाए कि हम उनके सबॉर्डिनेट हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें ये चीज चेंज नहीं हो सकता। हमारा है जीवे रस के कृष्ण रदास, ये तो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम रहेंगे, हर एक परिस्थिति में हम भगवान के दास रहेंगे, इसको हम किसी भी प्रकार से भुलाने। जब मायावादी इस प्रकार से चेष्टा करते हैं और भुलाने का प्रयास करते हैं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इट इज द ग्रेटेस्ट वायलेशन, ये सबसे बड़ा एक विरोधात्मक एक वो है, उनका स्टेप है या बोले उल्लंघन करना है, नियमों का उल्लंघन, सबसे बड़ा नियमों का उल्लंघन है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान के हम अधीन नहीं हैं। भगवान जब यहाँ आते हैं तो हम लोग ठीक है, जब नहीं आते हैं तो हम खुद भगवान हो जाते हैं, हम भगवान के अधीन नहीं है, तो ये सब करते हैं, सबसे बड़ा पाप हम करते हैं और सबसे बड़ा विरोध भगवान का करते हैं। और यही कारण है जब हम इस प्रकार के स्वभाव को व्यक्त करते हैं, भगवान के विरुद्ध जाते हैं, इसी से इच्छा और द्वेष की शुरुआत, जो द्वेष की भावना होती है, सबसे पहले हम द्वेष भगवान से करना प्रारंभ करते हैं और उनके साथ किया और इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, बड़े लीडर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। क्यों? कृष्णा भी लीडर तो हम भी लीडर बन गए यहाँ करके, और सबसे पहले तो कृष्णा से हमने द्वेष किया, यहाँ आने के बाद अलग अलग लोगों से द्वेष करना शुरू करने लगते हैं और ये चक्र चलता रहता है, क्रम से ये चक्र चलता है। तो इसमें ओवरऑल यही बताया गया है कि हमको कोशिश करना है, ये जानना है कि वी आर नॉट ऑल इन ऑल, ऑलवेज देयर इज अ हायरार्की, हर समय यहाँ पर आप देखेंगे क्रमशः हमारे ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई, और सबसे ऊपर जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं भगवान, जो कि अनलिमिटेड है, जिसकी शक्ति, जिसकी जिसका ज्ञान असीम का धन असीमित है और जिसका नाम ऐसे कि हम तो हरे कृष्णा आवाज कट कट के आ रही है। हाँ वो आएगी, क्या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्लास एंड हो गया है आज का। हर्षिता माता जी वन राउंड चैंटिंग होगा और कुंती माता जी चैंटिंग करवाएंगी स्लोली अच्छे से, वन राउंड। मैं लॉग आउट हो रहा हूँ क्योंकि टावर का कुछ प्रॉब्लम है। ओके प्रभु जी, आपको एक बताना है, आज से हमारा डेलाइट सेविंग टाइम शुरू हो गया है, तो फिर मैं 8 बजे के बाद यहाँ आपकी उसमें क्लास में अटेंड नहीं हो सकूंगी, तो आप अग्नि से इसे न करना, मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं आप उस टाइम पर नहीं होंगी 8 बजे के, मैंने आपके एक घंटे की क्लास तो मैं ले सकती हूँ, उसके बाद फिर मेरा नहीं हो सकेगा, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी डिस्कनेक्ट हो गया प्रभु जी का ना, वो एग्जिट हो गए। हरे कृष्णा हर्षिता माता जी, मैं चैंटिंग करा दूं? जी माता जी स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा
नमो विष्णु पादाय किष्पिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम